मध्य प्रदेश के मंदसौर में अधिवक्ता की हुई हत्या को लेकर और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर जिला अभिभाषक संघ उज्जैन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अधिवक्ता गण के साथ आए दिन घटित हो रहे, जिससे उनका निडर होकर पैरवी करना दुर्भर हो रहा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद एवं अधिवक्ता संघों द्वारा पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश शासन से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने हेतु मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा पूर्व में ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर माननीय विधि मंत्री एवं माननीय प्रमुख सचिव विधि मध्य प्रदेश शासन को सौंपा जा चुका है, जिसका मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू किए जाने का आश्वासन भी दिया जा चुका है, किंतु आज दिनांक तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जा सका, जिससे मध्य प्रदेश के संपूर्ण अधिवक्तागण सरकार के इस उदासीन रवैये से निराश है। इसको लेकर आज उज्जैन जिला अभिभाषक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आज कलेक्टर को कोठी पैलेस पर सौंपा। अध्यक्ष द्वारा एक परिपत्र जारी हुआ है कि मंदसौर के अंदर एक अभिभाषक के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आए दिन मध्य प्रदेश के अंदर अभिभाषकों के ऊपर कई बार इस प्रकार से ये ऐसी घटनाएं हो रही है, जिसके तहत हमने उस समय पे भी हमने सन 2012 में भी माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग की थी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, लेकिन उसके बाद भी अभिभाषकों के मामले के अंदर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई उपाय नहीं किए गए और इससे लेकर सारा समुदाय मध्य प्रदेश के 90,000 अभिभाषक साथी आज यहाँ पर अपने न्यायालयीन कार्य से विरत है और उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि शीघ्र प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू नहीं किया जाता है तो उसके लिए वकील सारा समुदाय मध्य प्रदेश स्तर के अंदर मतलब इसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी और उसमें त्वरित कार्रवाई की जाना चाहिए। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय को दिया गया है उनके मार्फत और शीघ्र हम उनसे चाहते हैं कि हमारे वकील पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अधिवक्ताओं की सुरक्षा की जाए और उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, इसमें प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।